नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राजनीति की नई धार। जी हां, धार भोसाला मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हो गया है। इस जगह को हिंदू पक्ष मंदिर बताता है तो मुस्लिम पक्ष मस्जिद। लेकिन अब भोसाला में शुरू हुए सर्वे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सर्वे को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि चुनाव के वक्त ही उन्हें इसकी याद क्यों आई। कांग्रेस इसे अब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देख रही है और आरोपों के बाण बीजेपी पर चला रही है। तो बीजेपी का कहना है कि सर्वे कोर्ट के आदेश से हो रहा है, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि आखिर इस मामले में राजनीति हो क्यों रही है, जबकि यह सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। और कांग्रेस इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाकर साबित क्या करना चाहती है? क्या लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी और कांग्रेस हिंदुत्व की पिच पर ही अपनी जंग लड़ेंगे? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे पर राजनीति, कांग्रेस बोली ये बीजेपी की रणनीति। ज्ञान बाबी के बाद मथुरा काशी और अब धार की भोजशाला के सर्वे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर धार स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू किया गया। दिल्ली और भोपाल से आए अफसरों की टीम ने भोजशाला में अपना सर्वे शुरू किया। लेकिन इस सर्वे को अब कांग्रेस राजनीति के चश्मे से देख रही है, या यूं कहे कि उसने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, अब इनको सर्वे की बात सूझी है। उन्होंने चुनाव के वक्त सर्वे करने को लेकर भी बीजेपी को घेरा। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। इस ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को जहाँ हिंदू पक्ष वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानती है, तो ये मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है। और अब किसका दावा सही है, इसी के लिए सर्वे हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी दिग्विजय के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। ताकि दिग्विजय सिंह को भारत की संस्कृति पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने बड़ा आनंद आता है, रस आता है इनको। भोजशाला का निर्णय इस मध्य प्रदेश के लिए गौरव और हमारे लिए गरिमा का विषय है कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश किसने दिया है? माननीय न्यायालय ने। लेकिन इससे भी पेट में दर्द दिग्विजय सिंह को हो रहा है कि एएसआई का सर्वे न्यायालय ने क्यों आदेश किया है। कुल मिलाकर भोजशाला सर्वे पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कांग्रेस को फिर हिंदुत्व की पिच पर ला खड़ा किया, जहां बीजेपी काफी मजबूत है। और अब बीजेपी दिग्विजय के बयान को आधार बनाकर उन्हें घेर भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, तो फिर क्यों कांग्रेस इसे चुनावी बता रही है? क्या सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में? कांग्रेस नेता इन तथ्यों को भी अनदेखा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार सिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कोर्ट के निर्देश पर एएसआई सर्वे कर रही है, सवाल आप बीजेपी पर उठा रहे हो, आखिर क्या मकसद है इसके पीछे? जी, आज मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, एक दिन मुझे एंकर बन जाने दीजिए ना थोड़ी देर के लिए। जो जिम्मेदारी है वो तो निभा लीजिए, मैं आपकी जगह जाऊंगा, आप इधर आ जाना। और ये तो खुली झूठ है, आप पत्रकारिता करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रजेश जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इस चीज का जो आज आपने डिबेट रखी है, उस डिबेट की थोड़ी लाइन लंबी रखते।
तो बड़ा मजा आता है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की एकता के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए अच्छी होगी। दिग्विजय सिंह जी ने किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना अपने मुद्दों पे चाहिए था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का गलत उपयोग करके अलग अलग तरीके से चुनाव को बाधित कर रही है, और जो संवैधानिक मूल्य संवैधानिक दायरों से हटके अपने आप को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भोजशाला पर सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये टाइमिंग की बात इसलिए की कि एक तरफ मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा, देश में बड़ी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा, धार्मिक चीजों को बीच में लाया जा रहा है, तो तमाम चीजों पर अगर हम लोग बात करते तो ठीक रहता। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था केदार जी, एक काउंटर सवाल सुन तो लीजिए आप, एक काउंटर सवाल। हाँ, क्या आप ये बताना चाह रहे हो दर्शकों को, ये जताना चाह रहे हो कि कोर्ट सरकार के निर्देशों पर चलती है? मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ, बाकी जनता को नहीं, आपको ही बता रहा हूँ कि जब राम मंदिर बनता है कोर्ट से उससे तो भाजपा मानती है क्या किस तरीके से प्रचार हो रहा? जब अभी चुनाव का बात आया, जब प्रश्न आया, तो उन्होंने कोर्ट के ऊपर धकेल दिया। सवाल यहाँ पर देखिए, इनकी मतलब इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ा सार्थक, उसमें आप और हम जैसे लोग भी हिस्सा बन जाते हैं किसी भी तरीके से। अभी ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, अभी बीबी शर्मा जी जो है भाजपा, उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व पर हमला करने में इनको बड़ा रस आता है। रस तो भारतीय जनता पार्टी को देश की अखंडता को तोड़ने में आता है, रस तो भारतीय जनता पार्टी को जो धर्मनिरपेक्ष जो देश है इसको तोड़ने में आता है, रस तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों को मजदूरों से लड़ाने में आता है, लेकिन केदार जी, केदार जी को सवाल वहीं के वहीं खड़ा हुआ में आता है, केदार जी सवाल वहीं के वहीं खड़ा है, क्या कोर्ट बीजेपी के सारे पे चलती है? तो फिर इलेक्ट्रो बॉन्ड जो आप आरोप लगा रहे हो, तो कि बीजेपी के सारे पे चल रही होती तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता ही नहीं जिस तरह से आपके आरोप हैं, क्या बताना चाह रहे हो? वो एक निर्णय अभी आया है, दूसरा निर्णय और भी आया हुए, उन पे भी अपन पूरी चर्चा कर ले, आज आप बोलो तो अपन डिबेट को इस तरफ ले चले। सवाल आप मुझे आप जवाब दे दीजिए, इससे पूछ के जवाब दे दीजिए, राम मंदिर का निर्माण का श्रेय भाजपा क्यों ले रही है? श्रेय लेना अलग बात है ना, श्रेय लेना अलग बात है, और कोर्ट क्या बीजेपी के सारे पर निर्णय ले रहा है? ये मेरा सवाल, यदि वो श्रेय ले रहे हैं तो आप कह रहे हो कि बाकी जो कोर्ट कर रहा है नहीं, एक मामले में यदि वो श्रेय ले रहे हैं, केदार जी राम मंदिर का, केदार जी श्रेय तो आप भी लेते हैं कि ताला हमने खुलवाया, तो श्रेय ताला भी तो कोर्ट के निर्देश पर ही खुला था ना, वो मामले को छोड़ दो तो इससे क्या मतलब है? हम मैं एक बात और बता दूं, हमारी पार्टी कभी भी राजनीतिक मुद्दों में धर्म को ज्यादा जगह नहीं देती, हम लोग धर्म को जगह नहीं देना चाहते, धर्म अपना विषय है। आज दिग्विजय सिंह जी देखिए मंदिर में थे, सुबह से आज तीन जगह उनके दर्शन है, उनकी अपनी आस्था, उनके धर्म है। केदार जी उस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या कोर्ट को कटघरे में खड़ा करके क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस? नहीं, कोर्ट को कटघरे में नहीं करा है, उन्हें टाइमिंग का तरीके से मैनेज किया जा रहा है अभी सारी चीजों को। अभी चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद ठीक है, इस पे सर्वे होना चाहिए, दो महीने तीन महीने पहले हो जाता, एक महीने आगे उसको कर देते, चुनाव के बाद में हो जाता। तो कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए ना, मतलब कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए निर्णय लेने में, क्या भी आचार संहिता लगी है, फैसले में जब कुछ आ रहा है निर्णय लेने में, तो कोर्ट क्यों इन चीजों का इंतजार करे, न्याय क्यों इंतजार करे? ये कराया जाता है ये मैं जानना चाह रहा था। ठीक है शिवम जी, ये सब आप कराते हैं, हाँ आ गई ना आपकी बात, शिवम जी ये सब कराते हैं आप, टाइमिंग क्यों? लोकसभा चुनाव है इसलिए आप इस तरह के मुद्दे लाते हैं, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा, और कोर्ट आपके सारे पर टाइम तय करती है। देखिए सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी का कभी भी लोकतंत्र अथवा जो इसके संस्थान है उस पर विश्वास नहीं रहा है। हमारे देश की न्यायपालिका ने सदैव स्वतंत्रता के साथ काम किया, अनेकों अवसरों पर कई फैसले ऐसे भी आए जो हमारी सरकार को असहज करने वाले रहे, हमारी सरकार की घोषित जो नीतियां थी उनके विपरीत अदालत ने फैसले दिए, लेकिन हमने कभी भी उस पर कटाक्ष नहीं किया, न्याय व्यवस्था के ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा को रखा और हमेशा विश्वास अडिग रखा कि न्याय व्यवस्था में हमारे यहाँ पर
कोई भी फैसले में देर हो सकती है, फैसले को गलत तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन हर चीज को एक जनरलाइज फॉर्म में उसका निराकरण निकाला जा सकता है। आज अगर यह विषय हमारे विमर्श के केंद्र में आया है तो कब आया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं ने इस निर्णय के आने के बाद इस पर कोई बयानबाजी की या फिर इसको विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया? नहीं, यह पूरा आज मीडिया का डिस्कोर्स तब बना जब दिग्विजय सिंह यह फैसला आने के बाद एक बयान देते हैं। तो कौन इस मुद्दे को कम्युनल एंगल देने का प्रयास कर रहा है, कौन तुष्टीकरण करना चाहता है? कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है, न्यायपालिका स्वतंत्रता के साथ तमाम गुण और दोष के आधार पर निर्णय लेगी और जो भी न्यायोचित होगा। और यह मामला किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह टाइटल सूट का मामला है। इसमें कोर्ट निर्धारित करेगा कि कौन से पक्षकारों का कितना दावा उस जमीन पर है। ऐतिहासिक साक्ष्य खंगाले जाएंगे और सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। वह तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर एएसआई भी सर्वे करेगा, तमाम चीजें जमीन से निकल करके सामने आएंगी। तो लेकिन शिवम जी, ये हर बार इत्तेफाक क्यों होता है आप लोगों के साथ कि कोर्ट आ जाएगा, राम मंदिर का फैसला जाएगा, मंदिर बन जाएगा? इत्तेफाक होता है कि रणनीति के तहत होता है? ब्रिजेश जी, अगर हमारे पास इतनी स्वतंत्रता होती अदालत को अपने हिसाब से चलाने की, तो 1998 से 2004 तक भी हमारे पास ही देश की सरकार थी। हम उस दौरान भी प्रयास कर लेते, राम मंदिर का फैसला आ जाता, निराकरण हो जाता, हमारी सरकार बनी रहती। लेकिन हमने क्या कभी उस दिशा में प्रयास किया? नहीं किया। हमने अदालत के ऊपर अपनी आस्था को जाहिर किया, एकदम किया। हमने हमेशा अपने कमिटमेंट में रखा, हमारा वैचारिक स्टैंड क्लियर था कि वहां पर मंदिर था और हिंदू भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर वहां पर बनना चाहिए। हमने तो कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी है कि एक और मंदिर का ताला भी खुलवाने की बात पर श्रेय भी इनको चाहिए और साथ ही साथ तुष्टिकरण वाले वोट न छिटक जाए, इसलिए यह भी कहना है कि वो बाबरी मस्जिद वहां पे दोबारा जो ध्वस्त हो गई है उसको हम खड़ा करेंगे। तो यह इस प्रकार के वैचारिक मतभेद और मतभिन्नता कांग्रेस पार्टी में ही देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी स्पष्टता के साथ मानना है, चाहे वह भोजशाला हो, ज्ञान वापी हो, मथुरा की लड़ाई हो, अदालत में मामले हैं, अदालत उस पर अपना निर्णय लेगा। और एक समाज के रूप में हमें तो अदालत के ऊपर विश्वास रखना ही ठीक है। तो सुरोज जी, वो तो अदालत के निर्णयों का इंतजार करते हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे मथुरा का मामला हो। लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये आरोप है आप पर। क्यों आपने बयान दिए जब अदालत ने निर्णय लिया था सर्वे कराना हो जाने चाहिए था? देखिए, अभी ने एक अच्छी बात कही कि जब ये 1998 से 2004 तक थे, तब तक क्यों नहीं था? तब तक अटल जी थे, वो राजधर्म का पालन करते थे। अभी जब से ये नए साहब आए हैं, ये जब से आए हैं ये राजधर्म ताकि लोगों तक सत्य न पहुंचे, इनकी हकीकत है। ये सुनना चाहते ही नहीं है, हम भी तो सुन रहे थे इनको चुपचाप। आखिर इनको तकलीफ कहां जाती है? जब भी ये इनकी नजर दबती है, फड़फड़ाने लगते हैं, मुद्दे पे आ जाइए, बोलने लगते हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। 2013-14 के बाद में राजतंत्र, राजधर्म की जगह राजतंत्र की नींव रखी जा रही है और वो नींव तरीके से रखी जा रही है। 2014 तक बिना कोई अथॉरिटी हो, जब राहुल गांधी जाकर के वो राजतंत्र होता ना, तो आज जैसे लोगों का इस देश में शासन करने लायक नहीं होते। अगर उस समय राजतंत्र होता तो दो लोगों को जगह नहीं दी जाती विपक्ष में। अगर वो समय राजतंत्र होता तो यहाँ जो आप कर रहे हो ना, अरविंद केजरीवाल और इनको अलग किया जाते हैं, अरे झारखंड के मुख्य, हम आप लोगों को कभी के ही अंदर डाल दिए होते हैं। राजतंत्र होता तो आप यहाँ पर बैठ कर, चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ, लौट रहा हूँ। शुभम जी, केदार जी, दोनों से जवाब लूंगा, लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज दूसरे दौर में आ रहा हूँ। शुभम जी, केदार जी, ठीक है। दुबे जी, क्या कांग्रेस ने फिर गलती कर दी टाइमिंग को सवाल उठाकर? कोर्ट पर सवाल उठाने के पीछे क्या मकसद है कांग्रेस का? ये तो कोर्ट ने सर्वे के निर्देश दिए, या बीजेपी वाकई में कोर्ट को भी अपने हिसाब से मूव कराती है, निर्देश दिलाती है? देखिए, ये स्वाभाविक होता है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो वो अपनी बात रखने के लिए सरकार पर ही वो करेगा और सरकार के इशारों पर, क्योंकि सरकार अपने इशारों पर सब कुछ कर सकती है, ये भी मान के चला जाता है व्यवहारिक जीवन में। संस्थाओं को नियंत्रित करती नियुक्ता होती है, तो विपक्ष करे क्या? विपक्ष के पास
एक जो मुख्य हथियार है धरना आंदोलन प्रदर्शन और आरोप लगाना, वो अपना धर्म विपक्ष निभा रही है, लेकिन देश में अभी भी इन चीजों के प्रति बहुत वैसा नहीं है कि ये चीजें तो अविश्वास पैदा हो गया हो कोर्ट पर, इस पर ऐसी परिस्थिति नहीं है अभी। अभी भी जो संस्थाएं हैं जैसे आप प्रेस कोर्ट और जो संसद एजेंसियां हो, सीबीआई हो चाहे अन्य एजेंसियां हो, देखिए कितना भी कहो लेकिन या तो सहर्ष या मजबूरी, वैसे इन पर विश्वास करना ही पड़ता है। अभी देखें जैसे कोर्ट ने इस पे बॉन्ड पे जो किया तो उसमें शायद मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने सरकारी को कई बार, सरकार भी तो एसबीआई वही सब है, तो उन्हीं सबको उन्होंने बार बार निर्देश देके और वो सब करवाया, खुलासा करवाया पूरा। तो मैं समझता हूँ अपन जब पढ़ते हैं तो इतिहास में इमरजेंसी के दौरान भी कोर्ट की भूमिका आज भी याद की जाती है, आज भी हम सबका भरोसा है, उसमें भरोसा रहना चाहिए। ये इत्तेफाक हो सकता है और इससे कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आएगा समाज में या मानसिकता में। ये ऐसी चीजें हैं कि उस समय एक दौर चला था कि जब सब धार्मिक स्थलों को क्षति गिराई थी, कोई कांग्रेस में थोड़ी पहुंचाई ये क्षति, कांग्रेस वैसे ही सुरक्षात्मक मुद्रा में जबरदस्ती आ जाती है, वो तो एक आता था ही आता था और वो धार्मिक स्थानों को निशाने पर लेता था। बस ये हुआ कि इतने सालों में अब जाके वो पुनरावृत्ति हो रही, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज जो गलत करोगे आज नहीं तो 100 साल बाद उसको ठीक होना ही पड़ेगा, ये प्रकृति में भी एक संतुलन की व्यवस्था है। बस यस किसके हाथ में है, अपयस किसके हाथ में, ये उनके अपने कर्मों के आधार पर तय होता है। इसमें भी किसी को ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, यदि कोई गलत करेगा छल कपट से हासिल करेगा तो उसका भी मूल्यांकन है प्रकृति में, लेकिन चूंकि देश हमारा ऐसा है कि हम इन सब चीजों पर बहुत आस्था रखते हैं, हमारे धार्मिक स्थानों, हमारे धार्मिक गुरु जो भी संत समाज, इन सब पे हमारी गहरी आस्था है, तो इन सब के माध्यम से इन पे या तो चोट पहुंचे या इनके माध्यम से कोई लाभ लेने की कोशिश। लेकिन दुबे जी, यदि कांग्रेस सवाल उठा रही तो इससे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा उसका, क्या फायदा दिख रहा है आपको? नुकसान के लिए तो कोई सवाल उठाता नहीं है। क्यों नहीं, कांग्रेस को नुकसान दिख ही रहा है क्योंकि इससे एक तरह से जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, जो हिंदुत्व का जो भगवा रंग है वो और गाढ़ा हो सकता है, और खासकर उस बेल्ट में धार आता है जो आदिवासी बाहुल बेल्ट है, जहां पर पूरे देश की निगाहें इस बार तो आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में हम और आप कई बार डिबेट में चर्चा कर चुके हैं कि आदिवासियों पर निगाहें हैं, कमलापति स्टेशन से लेके राष्ट्रपति मुर्मू को बनाने तक पूरा वो बेल्ट है, और उसी पे अभी ये डेंट लग जाएगा कि वो सब हिंदुत्व की राय पे चले तो कांग्रेस स्वाभाविक है तो उसको तो कष्ट होगा। इतनी छोटी सी बात जो आप समझा रहे हैं दर्शकों को, क्या वो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को समझ में नहीं आएगी या नहीं आ रही है कि वो क्यों बयान दे रहे हैं? देखिए दिग्विजय सिंह के बयान तो आप देखते हैं कि हर बार उनके बयान आते हैं किसी भी मुद्दे पे, तो उनकी एक स्टाइल है राजनीति की। आप कांग्रेस में कौन सी नेता को जानते होंगे इतना जितना कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं, क्योंकि वो बयान ऐसे देते हैं, चर्चित बयान देते हैं, मतलब खुद को चर्चित करने के लिए और पार्टी को दांव पर लगा देते हैं। केदार जी वो कह रहे हैं नुकसान होगा इस बयान से आपके। ब्रजेश जी आज आपकी डिबेट के लिए आपने 8 जगह फोन लगाया, सिर्फ नहीं मिला था, तो आप क्यों नहीं आए थे? क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऑनलाइन मतलब लाइव कह रहा हूँ मैं। इसी तरीके से सही मुद्दे पर बोलने में भारतीय नेताओं में बहुत से लोगों में अब क्षमताएं नहीं बची है। ईडी सीडी न जाने कौन कौन सी ताकतें आ गई है। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो अपना राजनीतिक धर्म का निर्वहन करते हैं, जब भी कोई सवाल पूछता है तो वो बेबाकी से जवाब देते हैं। लोगों को उन्हें संवैधानिक मूल्यों की जानकारी है, उन्हें नैतिकता की जानकारी है, उन्हें राजधर्म की जानकारी है और अपने दायित्वों की जानकारी है, इसलिए वो बोलते हैं। अगर आप कह रहे हैं अभी हम सबको चुप हो जाना चाहिए, जहां धर्म की बात आए तो मतलब फिर देश में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देश हमारा परिवार है, मोदी का परिवार जो मोदी जी कह रहे हैं, क्या मोदी के परिवार में मुस्लिम नहीं है? क्या मोदी के परिवार में कांग्रेसी नहीं है? क्या मोदी के परिवार में किसान नहीं है? क्या मोदी के परिवार में सिख नहीं है? क्या मोदी के परिवार में आप जैसे लोग जो डिबेट करते हैं खुल के वो नहीं है? तो सवाल आप भी लिख लीजिए आगे, मोदी का परिवार लोगों को पता चल जाए कि उनके परिवार में है कि नहीं। नहीं नहीं एक तरफ वो देश कहते हैं, देखिए फिर आप फिर भाजपा वाली बातें करने लग गए। भाजपा वाली पूरा देश भाई, मोदी अभी मुखिया है देश के। नहीं,
तो पूरा परिवार देश है उनका। नहीं नहीं, तो फिर परिवार है तो फिर मुस्लिमों से क्या तकलीफ, फिर सिखों से क्या तकलीफ, फिर किसानों से क्या तकलीफ, फिर दिग्विजय कहां तकलीफ हो रही है ना केदार जी। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? शिक्षा का अधिकार तो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? तकलीफ कहां हो रही है? फिर आपस में लड़ाने का खेल क्यों खेला जा रहा है? जब हम कह रहे हैं कि आवास भी मिलेगा, उनको पेंशन भी मिल रही है, उनको नौकरी भी मिल रही है, उनको शिक्षा भी मिल रही है, उनको रोड भी मिल रहा है, उनको कानून से न्याय भी मिल रहा है, तो कहां लड़ा रहे हैं ना? वही तो हम कह रहे हैं, कहां लड़ा रहे हैं क्या है केदार जी, कहां लड़ा रहे हैं? यदि कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे में पता चल जाएगा कि बहुशाला हिंदुओं की है या मुसलमानों की है, जिनकी होगी उनको मिल जाएगी, तो ये तो न्याय की बात हो रही है ना? उस पर तो सवाल ही नहीं है, उस गलत डायरेक्शन में ट्रेन मत दौड़ाइए। मैं पढ़ा लिखा कांग्रेसी हूँ, मैं आप दमदार कांग्रेसी हो, आपने सही कहा है कि बाकी के लोग ईडी सीबीआई के डर से बोलते भी नहीं है, तो ये आपने भी स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में आप भी ईडी सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हाँ है ना, मैं खुल के कह रहा हूँ, इसीलिए रहे जा रहे जा रहे आज ही। और भाजपा भी बड़ी अच्छी पार्टी है, वो कल तक हमारे मनोज चावला जी को खाद चोर कहती थी, डकैत कहती थी खाद का, आज उन्हीं को लेके माला वाला पहना के खुद भी, और आप सब भी ताली बजा रहे। अरे की बहुत बढ़िया रहा मनोज जी आगे। तो देखिए बात सवाल ये है कि मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं, लंबी चीजें कही है, उस लंबी चीज में से एकमात्र छोटा सा आपने एक बात कही है कि दिग्विजय सिंह वोट की राजनीति नहीं करते हैं, राजधर्म का पालन करते हैं, राजतंत्र का पालन नहीं करते, राजधर्म का पालन करते हैं शिवम जी, और आप सत्ता के लिए ध्रुवीकरण करते हो, वो तो राजधर्म निभा रहे हैं, उनको पता है कि ऐसे बयान से नुकसान हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से सच्चाई से राजधर्म की बात कर रहे हैं वो। देखिए ब्रजेश जी, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि इस देश में या प्रदेश में राजतंत्र का जो सबसे अप्रतिम उदाहरण है वह दिग्विजय सिंह है। उनके सुपुत्र के लिए उन्होंने किस प्रकार से पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया, राजतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस में किस कदर हावी है या किसी से छिपा हुआ नहीं। दूसरा सबसे दिग्विजय सिंह नैतिकता की राजनीति करते हैं, दिग्विजय सिंह ने अनेकों बार मध्य प्रदेश में जब सांप्रदायिक सद्भाव खराब हुआ तो मॉब फोटो जिसके कारण पूरे प्रदेश की जो एक सांप्रदायिक सद्भाव है वो दिग्विजय सिंह अभी हम जानते हैं छिपा हुआ नहीं है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चलिए केदार जी, शिवम जी माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धार भूसाला पर जो कोर्ट ने निर्देश दिया है सर्वे कराने का, उस पर सियासत शुरू हो गई। इस सियासत के किसे नफा होगा किसे नुकसान होगा ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ मुद्दों पर यदि कांग्रेस के नेता शांत रहें तो हो सकता है कांग्रेस का भला हो। लेकिन यदि केदार जी की बात माने तो सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, समाज सेवा में राजधर्म का पालन भी करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह वही राजधर्म का पालन कर रहे हैं, फिर भले ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।